हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। आज बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ मैं। जैसे कि आपको पता है, ठंडियों का टाइम है और सबके घर में तिल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बनती रहती हैं। मकर संक्रांति आ रही है, मकर संक्रांति में भी लोग तिल के लड्डू बनाते हैं। तो आज मैं तिल की कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है मावा तिल रोल। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को, देखते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी आपको, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा कोल्ड है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपको। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मैंने इसमें गुड़ लिया है। गुड़ से आप, मतलब इस रेसिपी को आप गुड़ से भी बना सकते हैं, तिल से भी, उससे शुगर से भी बना सकते हैं, आधा तिल आधा गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पूरा पूरा गुड़ यूज़ किया है। गुड़ ठंडियों में थोड़ा सा हेल्दी होता है, तो गुड़ ज़रूर खाएं, इससे काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो गुड़ ले लिया है, जितना गुड़ लिया है मैंने उतने ही तिल लिया है और उतना मावा। मावा थोड़ा कम हो सकता है, आप कर सकते हैं कम मावा। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप मिल्क पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बाउल तिल लिया है, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। पैन चढ़ाए और पैन को स्लो में रखें। गैस हमें फुल में नहीं रखनी है, स्लो में रखनी है, ताकि इसको हम, मतलब कलर नहीं देना है बहुत, नहीं ब्राउन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा टोस्ट करना है इसको हमें, रोस्ट जिसे कहते हैं। ये पॉपअप देखिए, मैं स्लो करके आपको गैस दिखा रही हूँ, इसको स्लो में करना है। आपको पता कैसे चलेगा? तो तिल के छोटे छोटे से जो बीज, मतलब जो तिल होता है वो ना पॉप हो जाता है, थोड़ा सा ना फूल जाता है, तो आपको पता चलेगा। तो देखिए मेरा ऑलमोस्ट तिल अच्छे से ड्राई रोस्ट मैंने कर लिया है, वो अच्छे से हो गया है। तो इसको हम ठंडा करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसे आप तुरंत का तुरंत पीसेंगे नहीं, वरना ये ऑयल छोड़ देगा। तो तिल का हमें ध्यान रखना है कि आपको तिल को ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको आपको थोड़ी देर 10 से 15 मिनट थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दें, ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर इसको हमें पीसना है, मतलब हल्का सा, और रुक रुक के मिक्सी को आप मतलब चलाइएगा, एकदम से ना पूरी स्पीड में मत कर दीजिएगा, फिर वो ऑयल वगैरह छोड़ देता। थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी को आप चलाएंगे और इसको आपको पीस लेना है। यहाँ गुड़ को भी मैंने अच्छे से ग्रेट किया हुआ है, कद्दूकस करके यूज़ किया है, तो वो आप पहले से उसको करके रख सकते हैं, वो मैंने करके रखा हुआ है। मीनवाइल हम जो मावा मैंने लिया है, देखिए मावा थोड़ा कम है मेरा कंपेयर टू तिल एंड गुड़, तो ये घर का मावा है, तो इसको मैं ना मैंने बना के पहले से रख लिया था। तो बस इसको थोड़ा सा मैं ना रोस्ट करूँगी अच्छे से, मतलब फ्रिज में रखा हुआ था फ्रिज में, तो इसको थोड़ा सा ना मैं अभी भून लूँगी अच्छे से, रोस्ट अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो इसका ना मैं थोड़ा सा इसको मतलब स्पैचुला से ब्रश करके इसको मैं ड्राई रोस्ट, ड्राई ऐसे से कर लूँगी, और इसको कर थोड़ा सा ना, इसका भी मुझे कलर नहीं देना है सच कि मुझे एकदम इसको ब्राउन ब्राउन ज़्यादा करना नहीं, लेकिन हाँ इसको अच्छे से भून लेना है, कच्चापन इसका हट जाए। और अगर आपके पास खोया नहीं है तो मैंने जैसे बताया, आप मिल्क पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये मिठाई आप बना के रख लेंगे, तो आप अगर आप खोए से बना रहे हैं तो ये मतलब 15-20 दिन आराम से इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर आप पाउडर दूध, मतलब मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे महीनों रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होगा। तो मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा ना इसमें मैं इलायची पाउडर भी ऐड कर दूँगी, तो क्योंकि इसमें अच्छी सी एकदम खुशबू आ जाएगी। तो मैं इसी में, जो मैंने घर में पीसा हुआ था ना इलायची, मैंने आपको एक रेसिपी में दिखाया भी था, तो इसको मैं इसी में ऐड कर दूँगी। ये जैसे होममेड मावा है ना, थोड़ा सा घी भी छोड़ रहा है, और इस रेसिपी में मैंने कोई घी का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि तिल में बहुत ही ऑयल होता है, और जैसे आप देख रहे हैं मावे में भी अच्छी क्वांटिटी में घी है। तो इसमें मैं इलायची पाउडर डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैं डाल रही हूँ, ये मैंने घर में ही पीसा हुआ है, तो पीस के रख लिया, क्योंकि रेसिपीज आती रहती हैं, मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ, तो ये मैं पीस के रख लेती हूँ। तो मैंने इसमें अच्छी क्वालिटी में ही डाल दिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी किचन में। तो बस इसको मैं कर लूँगी अच्छे से। अब मैंने जो गुड़ लिया है, मैंने गैस को बंद कर दिया है, और गुड़ जो लिया है ना, अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ध्यान रखिएगा गैस ऑन नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा फिर ना ये मेल्ट हो जाएगा, उसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने बंद में, क्योंकि खोया जैसे गर्म है ना, तो इसी में आप जब गुड़ डालेंगे ना, तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा इसमें, तो
मैंने इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए मैं अच्छे से इसको चला रही हूँ, इसमें मिक्स कर लिया। अब आपने जो तिल को पीसा है ना वो इसमें आप ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसको मिला लीजिए। तो बस इसमें बहुत बहुत मेहनत वाला ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बना बहुत टेस्टी था और लुक वाइज बहुत अच्छा था, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है ये। देखिए मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से, अब मैं इसमें ऐड करूँगी। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे किसी किसी का गुड़ पे ना अलग अलग गुड़, जैसे किसी का बहुत अच्छा था, किसी का थोड़ा सा वैसा, तो गुड़ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपको, जैसे अब मैं मिक्स कर रही हूँ, मुझे हल्का सा भी अगर लगेगा कि ये थोड़ा सा लूज़ है, इसको आपको रखना है, लेकिन आप मिक्स करके अच्छे से कम एक घंटे के लिए इसको छोड़ दीजिए ठंडा होने के लिए, नहीं तो फ्रिज में रख दीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि थोड़ा सा लूज़ है, तो मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आपको लगता है तो तुरंत आप जो तिल है उसको ड्राई रोस्ट करके, अगेन उसको ग्राइंड करके, ठंडा करके, और फिर इसमें आप मिक्स कर दीजिए, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें कुछ भी। तो ये मैंने मैंने ट्राई करके पूरा अच्छे से रेसिपी को फिर आपको बता रही हूँ, और ये बहुत अच्छी बनी थी। अगर इस रेशियो से आप बनाते हैं तो कोई चीज़ इधर उधर नहीं होगी। अब मैं इसको ठंडा करने के लिए छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरा एक घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए ठंडा हो गया है, मैं इसको चला रही हूँ, अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा करने के बाद ना मैंने स्टार्टिंग में जब रोस्ट किया था ना तिल को, थोड़े तिल बचा लिए थे, तो आप भी थोड़े तिल उस रोस्ट किए हुए तिल से बचा लीजिएगा, उसका हम ना लास्ट में काम करेंगे। तो वो अलग रखा हुआ था मैंने, इसमें दिखाना भूल गई हूँ मैं, तो थोड़े से तिल आप ज़रूर उसको बचा लीजिएगा। ये ठंडा हो गया है, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ना ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अभी ठंडा करके मैं इसको, देखिए मैं इसको टच कर पा रही हूँ। तो मैंने एक शीट को, आपके पास अगर ये नहीं है शीट तो आप कोई भी बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, फॉइल यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें इसको हाफ़ करके डाल लीजिए। मैंने तो थोड़ा यूज़ किया क्योंकि मेरा क्वांटिटी इसका ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके यूज़ किया क्योंकि एक बार में नहीं हो पा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इसको डाला। अब इसको हम रोल करेंगे बेलन से। ऑयल ये अच्छे से ड्राई है, इसमें कोई चिपकेगा नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर भी आपको लगता है तो आप बेलन में ना थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, बटर वगैरह या घी जो भी लगाना चाहिए। मैंने अच्छे से इसको रोल कर लिया है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखे थे या जो आपके फेवरेट्स हैं, मैंने अपना जैसे आपको बताया पिस्ता डाला है, काजू डाला है, बादाम डाला है, अच्छे से डाल दीजिए, स्प्रेड कर लीजिए अच्छे से, और इसको फिर हम रोल करेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से डाल दिया इसमें, अब हम इसको रोल करेंगे। धीरे धीरे रोल करना है उठाते हुए, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा क्योंकि रेसिपी फिर थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, काफ़ी डेलिकेट है। ध्यान से इसको करेंगे ना बहुत ही अच्छी बन गई थी ये, तो इसको हमें रोल करना है। मैंने इसको धीरे से उठाते हुए, ऐसे आप फॉइल के साथ भी कर सकते हैं, इनके सबके पास फॉइल भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो फिर आप जो साड़ी के रैप्स नहीं आते वो भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बटर पेपर है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, इन तीनों का यूज़ आप कर सकते हैं। धीरे धीरे उठाते हुए इसको रोल करें, हो जाता है, इजी हो जाता है बहुत अच्छे से। ऐसे रोल कर लीजिए अच्छे से, हाथों का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा इसको प्रेस करने में और रोल करने में। रोल करके आपको इसी में ही आप इसको मतलब फोल्ड करके, अच्छे से इसको रोल करके फोल्ड करके हाथों से, देखिए इस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि बाहर से कुछ निकले नहीं, और इसको इसमें वो जो तिल मैंने आपको बताए थे, जो तिल मैंने बचा के रखे थे रोस्टेड, वो अब इसमें आपको डस्ट ऊपर से लगाना है, तो बहुत ही अच्छा नटी फ्लेवर आ जाता है, और बहुत ही लुक वाइज ये बहुत अच्छी लग रही थी। खाने में तो ऑफकोर्स ये बहुत टेस्टी थी, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे मैंने बताया, तिल है, गुड़ है, तो सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं, ठंडियों के लिए बहुत अच्छी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया और आपके घर में सबको पसंद आई कि नहीं आई। मेरे घर में तो सबको पसंद आई, और मैं इसको अगेन बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत अच्छी रेसिपी बनी थी और एकदम परफेक्ट रेसिपी बनी थी, कुछ इधर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो मैंने अच्छे से इसमें लगा दिया तिल, इसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा आया था, ये जो नटी फ्लेवर होता है ना इसका तिल का, बहुत अच्छा लगा था। अच्छे से इसमें रोल कर लीजिए जितना आप कर पा रहे, जितना आपसे हो पा रहा है इसमें, अब इसको रोल कर लीजिए। मैंने इसको प्रॉपर रोल रोल नहीं किया था, मैंने इसको थोड़ा सा ना ऐसे स्क्वायर्स में रखा था, आप प्रॉपर रोल भी बना सकते हैं इसका, इसको ऐसे करके अच्छे से रोल करके, और इसको हमें फ्रिज में रखना है। ध्यान रखिएगा इसे हमें फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए, तो अच्छे से इसमें रोल कर लीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। मैंने इसको अच्छे से ट्विस्ट कर लिया, जैसे हम टॉफी रैप करते वैसे कर लिया है,
और इसको हम अब फ्रिज में रखेंगे। तो मैंने अपने तीन रोल, मेरे इतने जो मैंने रेशियो बताया, सो मेरे तीन रोल तैयार हुए थे, एक बिग वन एंड दो ऐसे, वो मैंने फ्रिज में रख दिए। और मैंने करीब, मुझे लग रहा है 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, 2 से 3 घंटे के लिए, 1 घंटे में भी हो जाएगा, बट मैंने रख दिया था। और फिर मैंने उसको, जब मुझे टाइम मिला, जैसे आपके जानते हैं मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, तो जैसे मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने उसको रेसिपी को कम्प्लीट किया निकाल करके। तो ये देखिए रेडी हो गया है, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। अब जस्ट बाहर निकाला मैंने इसको, अब मैं इसको कट कर रही हूँ। कट आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी थिकनेस के साथ कर सकते हैं, कैसे आपको मतलब पीसेस चाहिए। तो अच्छे से इसके रैप्स, जो भी मैंने रैप किया था वो हटा दिए। अब इसको मैं स्मॉल पीसेस, जैसे मुझे जितना चाहिए उस हिसाब से मैंने कट करके रख लिया है। और आप भी अपने हिसाब से इसको कट करके रखिए और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कैसी लगी रेसिपी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। इतनी मेहनत रहती है तो थोड़ी तो कमेंट आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, और नई नई रेसिपीज़ और नई नई चीज़ें लेके आती रहूँगी। आप ऐसी लाइक करते रहें, सपोर्ट करते रहें मुझे। थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मैंने रेसिपी आपके लिए शूट की है। तो बनाइए मकर संक्रांति में, खाइए, और ठंडी आ रही है तो एंजॉय कीजिए। नई रेसिपी लेके फिर आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।